लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमेशा होता है, एक मासूम की जान गई और दंगा करने वाले बचकर निकल गए। समीर, क्या कर रहे हो तुम लोग? आज इन लोगों को दिखा के रहेंगे। अरे बाहर निकल दिया, दरवाजा तोड़ो। मगर इन लोगों ने किया क्या है? कुछ बिगाड़ा तुम्हारा या कोई जाती दुश्मनी है इनसे? नसीमा, तुम्हें पता नहीं, इन लोगों ने हमारे दोस्तों पर ईंटें फेंकी हैं। हाँ, और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते, हम कायर नहीं। अरे ईंट और पत्थर जवाब देने के लिए नहीं होते, घर बनाने के लिए होते हैं। अरे हट, हमें अपने काम करने दे। तो ये काम है तुम्हारा, बेबस मार बच्चों को डराना धमकाना? अरे इसी काम के लिए अपनी माँ का दूध पिया था, इसी काम के लिए हम लोग घंटों व्यायामशाला में कसरत करते थे। अरे इतना जोश है तो अखाड़े में दिखाओ अपनी ताकत, बॉक्सिंग रिंग में दिखाओ, फौज में भर्ती होकर दिखाओ। सिमुआ, अगर इस जगह मोमिनपुरा के लोग होते और तेरे लोग घर के अंदर होते ना, तो वो लोग यही करते वो लोग जो हम करना चाहते। इस वक्त भी अंदर मेरे ही घर के लोग हैं और जब तक मैं यहां हूं इनका पाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त ना मैं बजरंगपुरा का हूं और ना ही मोमिनपुरा का, बल्कि सिर्फ एक इंसान हूं। और तुम लोग ना मेरे पड़ोसी हो ना ही मेरे दोस्त, बल्कि सिर्फ हैवान हो। वक्त वो तलवार जो मेरे हाथ से जुड़ गई वो आज तक निकल नहीं पाई।
जी जीजाजी 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 दीदी दीदी नहीं बचा सका बेटा, मैं नहीं बचा सका। बहुत मेहनतें की मगर वो 10-12 थे। मेरी टांगों पर लाठियां मार मार कर मुझे नाकारा बना दिया और उसकी इज्जत भी। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बेटा जब इंसान के अंदर का जानवर जागता है तो अपनी कायर और घिनौनी हरकतों को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए भीड़ के रूप में आता है और उस भीड़ की कोई शक नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता बेटा, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता बेटा। मीरा, 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 मीरा। और लाशों के ढेर में मेरे जीने की आरज़ू, जीने का मकसद दब गया, चल गया। मैं एक आवारा पत्थर बन गया तुम लोगों की तरह, रात से दिन, दिन से रात की तरफ लुढ़कता हुआ। लेकिन उस दिन अनीता के उजड़ते हुए परिवार ने और उसके दिल से निकली हुई आहों ने मुझे अपना उजड़ा हुआ परिवार याद दिला दिया। 4 सालों का खुला हुआ मैं घर वापस लौट आया, मुझे फिर से जीने का मकसद मिल गया। नरसिंह भाई, अब मैं माफ कर दो हमको, जीने का मकसद कुछ मालूम नहीं। हम लोग तेरे साथ, तेरे साथ। नरसिम, नरसिम,
मैंने सब सुन लिया है। मुझे यकीन हो गया है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन रवि इस बात को कितना समझ पाएगा ये मैं नहीं जानती। रवि, मिलने आई हूं और आप है कि बेरुखी से चले जा रहे हैं। देखो मीनू, आइंदा कभी मेरे घर पे मत आना और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, समझी? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारे जिस्म पे लगी हर एक चोट को 100 गुना करके मैंने अपने जिस्म पे लिया है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हारे सीने से गुजरने से पहले मेरे सीने से गुजरता है। रवि, रवि। देखो मीनू, ना ही मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, ना ही कुछ बोलना चाहता हूँ। रवि, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस तरह बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ठोकर मार के चले जाने से तुम्हारा मतलब क्या है? रवि, you owe me an explanation, if not an apology. I owe you nothing, all right? Now get lost. मीनू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।